नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहली बात, अगर मेरा आवाज़ आपको अगर थोड़ा अलग आ रहा होगा तो मेरे पास आज माइक नहीं है, एक्चुअली मैं कहीं और आया हुआ हूँ, इसलिए प्लीज़ आज के लिए मेरा जो आवाज़ है बर्दाश्त कर लीजिएगा। और लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक एंड्रॉयड जो है सबसे बेस्ट माना जाता है मोबाइल प्लेटफॉर्म है, बट फिर भी स्टॉक एंड्रॉयड का इंटरफेस हमें क्यों नहीं मिलता है, अब कंपनीज जो है अपना खुद का कस्टम UI क्यों चलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कलर OS, उसके बाद ऑक्सीजन OS, सैमसंग का One UI, ऐसा हमें क्यों मिलता है, क्यों नहीं हमें सभी कंपनी हमको स्टॉक एंड्रॉयड देती है। तो इसी बारे में आपको समझाने वाला हूँ और पूरा फंडा आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा कि क्यों नहीं हर कंपनी हमें स्टॉक एंड्रॉयड देती है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल राम जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला मुद्दा आता है यहाँ पर इनकम, यानी कि पैसा, वो कितना पैसा कमा रहे हैं। हालांकि वो फ़ोन बेचते हैं आपको और फ़ोन बेचने के बाद जो है वो इनकम करते हैं, लेकिन अपना कस्टम UI यानी कि खुद का एक डिज़ाइन किया हुआ एक यूज़र इंटरफेस लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो आपके फ़ोन में लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो उनका जो खर्चा है वो भी आपसे निकालते हैं और वो प्रॉफिट करके निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में 5,000 लगा तो वो आपसे 5,000 नहीं बल्कि उसके बदले वो आपको 6,000 लेंगे या फिर 5,500 लेंगे, क्योंकि बहुत लोग खरीदेंगे तो उनका जो उनसे प्रॉफिट भी अलग से निकल जाता है। और यहाँ पर दूसरा मुद्दा निकल के आता है ये कि जो कंपनीज़ जो हैं, अगर सभी कंपनीज, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, सभी कंपनीज अगर स्टॉक एंड्रॉयड देने लगे तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा कंपनी का फ़ोन क्या रहेगा। मतलब अगर आप सिर्फ लोगो देख के पहचानोगे कि ये सैमसंग है ये रियलमी है तो फिर कंपनी में लाइक फिर फ़ोन लेने का फ़ायदा क्या हो। क्योंकि देखो आजकल के समय में क्या हो रहा है ना कि जितने भी मोबाइल्स हैं ना बस नाम के हो गए अलग अलग, लेकिन अगर सही में देखोगे तो अंदर से सेम ही है। जैसे कि वही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 710, उसके बाद 4GB RAM, 64GB इंटरनल, 6GB RAM, 64GB इंटरनल, 6GB RAM, 128GB इंटरनल, 4000mAh बैटरी, तो कोई 5000mAh बैटरी दे रहा है। सैमसंग अभी रिसेंटली 6000mAh के बैटरी को लाया। तो ये लाइक सभी कंपनीज जो है ना लगभग 70-60% कंपनीज जो हैं एक ही जैसा आपको मिलेगा सब कुछ लाइक स्पेसिफिकेशन। तो इससे क्या है ना कि फ़ोन का फ़र्क नहीं पता चलेगा। तो कस्टम UI लगाने पे क्या होता है ना कि कंपनी जो अपने फ़ोन को उस वे में प्रेजेंट कर पाती है जिस वे में कंपनी ने आपको शुरू से बताया, जाने कि अगर कोई रियलमी बोल रहा है तो रियलमी ने कुछ अलग तरह का अपना कलर OS में कुछ अलग तरह का जादू डाल दिया जिससे वो ओप्पो से अलग लगे, क्योंकि वो अब उसका सब ब्रांड नहीं रहा बल्कि वो एक असली कंपनी और एक रियल ब्रांड बन चुका खुद के ऊपर डिपेंडेंट। वैसे सैमसंग भी अगर खुद का एक वजूद पाना चाहती है तो इसलिए वो एक ऐसा इंटरफेस लगाती है जैसे लगे लोगों को यहाँ वो सैमसंग का फ़ोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कंपनी कभी कभी क्या करती है कि एक अलग सीरीज़ निकाल देती है, जैसे कि आप रेडमी या फिर Xiaomi को देखो, उन्होंने एक अलग ही Mi A1, Mi A2 और Mi A3 बोल के सीरीज़ निकाल दिया जिसमें वो स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ोन आपको देते हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड का जो फीलिंग है वो आपको कैसा है, वो एक अलग सीरीज़ के फ़ोन खरीद के आप पता कर सकते हो। वैसे ही रियलमी भी सुने रिसेंटली लॉन्च होने वाला, बट इसका कोई ठीक नहीं है, और सैमसंग का भी मुझे कुछ पता नहीं है। और जहाँ गूगल पिक्सल फ़ोन है तो इनमें तो आपको मिलते ही पहले से आपको स्टॉक एंड्रॉयड। लेकिन दोस्तों बात की जाए कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म यानी कि एंड्रॉयड जो इतना बड़ा स्मार्टफोन्स है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो इनमें से सबसे बेस्ट कस्टम UI आपको कौन सा मिलता है? तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने जब से अच्छा एक्सपीरियंस किया है वो है OnePlus का ऑक्सीजन OS। जी हाँ दोस्तों, ये जो है पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉयड का बोल दीजिए एक तरह का कॉपी, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड में जो जो कमियां हैं वो ऑक्सीजन यानी कि OnePlus वालों ने क्या किया उसे ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये उसमें फीचर है या नहीं ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत पहले चलाया था, जब OnePlus 5T लॉन्च हुआ था तब मैंने चलाया था, उसके बाद अभी का क्या ऑक्सीजन OS का है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ इतना बता दे रहा हूँ कि अभी जो ऑक्सीजन OS है वो स्टॉक एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। इससे क्या होगा कि अगर आप अपना फ़ोन चला रहे हैं और आपको कुछ कमी लगता है स्टॉक एंड्रॉयड में तो वो ऑक्सीजन OS में आपको कमी नहीं लगेगा, और इसका यूज़र इंटरफेस बहुत बहुत सिंपल है, जो आप एक बार अगर इसके चलाने लगोगे तो आपको जो है स्विच करना यानी कि चेंज करना फ़ोन का प्रॉब्लम हो जाएगा, आप वापस OnePlus ही लोगे क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस है ही कुछ ऐसा अट्रैक्टिव जो आपको चेंज करने देगा नहीं दोस्तों। तो जी हाँ, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, मैं वर्ल्ड का बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट मुझे ऑक्सीजन OS ही सबसे बेस्ट लगता है, और बाकी सब ठीक है, उतने भी बुरे नहीं है, बट ये सबसे ज़्यादा बेटर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट्स में आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।